क्या नाम आपका? अनिल कुमार मिश्रा है। ये आप किस सड़क से गुजर रहे हैं अभी? ये सड़क जो है फुसरो से जरंडी हजारीबाग जाने वाली सड़क है, मुख्य मार्ग यही है। क्या स्थिति है सड़क की? ये सड़क की स्थिति ऐसे है कि यहाँ पर रोज करीब करीब गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले खास करके 3-4 बार गिरते हैं। उनके साथ जो उनके साथ महिला रहती है, बीवी रहती है, वो भी उनके साथ गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, काफ़ी चोट आती है उससे। कब से सड़क की स्थिति ऐसी है? सड़क की स्थिति तो मेरे ख्याल से 5-6 साल से ऐसी है। जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है इस पर? हमने तो बहुत से जनप्रतिनिधियों को बोला, लेकिन किसी का ध्यान इस रोड के ऊपर नहीं है। ये मुख्य मार्ग जहाँ आप खड़े हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में ही कहना चाहेंगे, ये मुख्य मार्ग है, ये जहाँ हम खड़े हैं बगल में रेलवे स्टेशन बेरमो है और ये मुख्य सड़क है। इससे प्रतिदिन हजारों लोगों का जाना आना होता है, लेकिन रोड की स्थिति क्या है ये देखने लायक है। न्यूज़ में हमेशा ये रोड चर्चा का विषय बना रहता है, फिर भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाएगा, इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के बारे में कितना सोचते हैं ये कहने की बात नहीं, देखने की बात है। जनप्रतिनिधि केवल भाषण और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं करते हैं, काम के प्रति उनका एक भी जरा सा ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे इस रोड के संबंध में, क्या बनना चाहिए या क्या होना चाहिए इसके? ये रोड तो अविलंब बनना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि भाई जनता का विश्वास जीते, तो ये रोड तो उनको बनवाना ही चाहिए। कहे कि बहुत बार उन लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन काम इसमें कुछ नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ का ये मुख्य सड़क किससे जुड़ी हुई है? ये मुख्य सड़क कथारा से फुसरो और मेन अस्पताल जो बोकारो जाने का भी मुख्य बीजीएच रेफर जब कोई पेशेंट होता है तो मुख्य सड़क यही है। इसी सड़क से स्टेशन स्वास्थ्य माने सब इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे इसी मार्ग से स्कूल जाने आने का काम करते हैं। स्कूल के बच्चे, उनके प्रिंसिपल द्वारा भी जनप्रतिनिधि को कहा गया, लेकिन उसके बाद उनको ध्यान दिया गया। समाज के प्रति आप गंभीर रहते हैं, इस विषय में आप क्या करेंगे? इस विषय में हमने जनप्रतिनिधियों से जाकर के मिला, हमने इस सड़क की समस्या सुनाई। जनप्रतिनिधि ने हमें भी आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में ये सड़क बन जाएगी, लेकिन उनके आश्वासन में ही रह गया, लेकिन आज तक सड़क बना नहीं। आगे क्या रुख होगा आपका? आगे यही रुख होगा, अगर ये जनप्रतिनिधि अगर बातों से नहीं सुनते हैं तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क जाम करेंगे और सड़क को अविलंब बनवाने की मांग करेंगे। यहाँ पर रोड का स्थिति आज से बिगड़ा हुआ है। कितने दिनों से बिगड़ा हुआ है? अरे बाद यहाँ से 10-20 साल हो गया, यहाँ पर रोड तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, बाईपास बनाया हुआ है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। गड्ढा उड्ढा यहाँ पर इतना बना हुआ है कि किसी ना सांसद को ना MP MLA को किसी को ध्यान है।